जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से हमारा जो सिलेबस मैथ्स का है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो मैथ्स का सिलेबस दोस्तों है, हमने कल आपको प्रोवाइड कराया दिया। आज से दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारा नाम क्या है, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। ठीक, जिसका दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है, पहला, यानी कि चैप्टर दोस्तों हमारा कौन सा है, चैप्टर पहला। और दोस्तों उसका लेक्चर नंबर भी कौन सा हमारा, ये पहला ही है। लेक्चर भी दोस्तों हमारा कौन सा है, पहला। क्या नाम है चैप्टर दोस्तों, चैप्टर पहले का नाम संख्या संख्या तथा संख्यांक का बोध, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान ये दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर पहला है, जिसका लेक्चर भी दोस्तों हमारा कौन सा है, पहला। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों आज से जो चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट हो रहा है, हमने आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया जिसका लिंक दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहले कंप्लीट सिलेबस देखिए कि आपके पेपर में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला, हमें कैसे पढ़ना है, कैसी रणनीति दोस्तों बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो हिसाब से आप पहले क्या करिए, सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद जो चैप्टर नंबर एक दोस्तों आप देखिए। ठीक है, आज से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए दोस्तों आप जितने भाई बंधु हैं इस वीडियो को देखिए, और दोस्तों देखने के साथ साथ क्या करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपकी संख्या के आधार पर ही हम आगे से आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसी आपकी संख्या होगी उसके आधार पर ही हम क्या वीडियो आपको बनाते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस कराते भी रहेंगे जो संख्या आपकी ठीक ठाक दोस्तों रही, इसलिए आपकी संख्या पे ही डिपेंड करेगा कि मैं आपको आगे से सिलेबस आगे का प्रोवाइड कराऊं या नहीं कराऊं। इसलिए आपका दोस्तों इतना ही सिर्फ काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूं, तो दोस्तों आप शेयर तो कर ही सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप इतना काम जरूर करेंगे। दोस्तों हमने जो चैप्टर फर्स्ट है, लेक्चर वन है, और डीएलएड बीटीसी या फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जो सिलेबस, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट दोस्तों हमने इसलिए बना दी कि जिससे क्या होगा, सारे वीडियो एक जगह क्या रहेंगे, एक जगह कह रहे हैं जिनका कलेक्शन एक सारे वीडियोज का एक जगह रहेगा, सारे वीडियो एक साथ रहेंगे, और दोस्तों आपको क्या सीरियल वाइज वहां से देखने को भी मिल जाएंगे। तो हमने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2020। क्या? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, आगे भी कराएंगे, जैसे सिलेबस है तो उसका भी उसका उसी में लिंक मिलेगा, और इस जो वीडियो है तो चल रहा है इसका भी लिंक उसी में मिलेगा, अगला जो वीडियो आएंगे उसका भी लिंक उसी में मिल जाएगा। यानी कि वहां से इस प्लेलिस्ट से फायदा यह रहता है, सारे वीडियो दोस्तों आपको एक साथ सीरियल वाइज देखने को मिलेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पहले का लेक्चर नंबर पहला, चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से देखिए, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। तो पहली हेडिंग क्या होती है दोस्तों आपकी, संख्या। संख्या क्या होती है, नंबर क्या होते हैं, पहली हेडिंग दोस्तों कौन सी आपकी, संख्या। यानी कि संख्या दोस्तों होती क्या है, क्या जो हमारी संख्या है नंबर क्या होते हैं उसके बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जो नंबर होते हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। क्या? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं।
जैसे ये हमारे क्या है, मार्कर है। कितने मार्कर दोस्तों हमारे पास है इस समय, प्रेजेंट टाइम में दो मार्कर हैं। तो हम पूछे कितनी वस्तु में है, तो आप कहेंगे दो वस्तु में है, दो वस्तु में है। तो जिस किससे बोध हो रहा, दो से बोध हो रहा, तो दो ये क्या है, हमारी संख्या है। तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है। जैसे हम आपसे पूछे कि हमारे वॉच में, हमारे जो हाथ में कितनी वॉच है, तो आप कहेंगे एक वॉच है। तो कितनी वस्तुएं हैं, यानी कि एक वस्तु, वॉच भी तो हमारी कैसी हुई, वस्तु ही तो हुई है। हम आपसे पूछ लें कि हमारे दोनों हाथों में, दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं, हमारे दोनों हाथों में दोस्तों कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहेंगे सर 10 उंगलियां। तो एक संख्या के द्वारा ही तो हम बोध कराते हैं कि 10 उंगलियां हमने बताया क्या, काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने काउंट करके गिन के ही तो बताया कि ये हमारे पास, हमारे दोनों हाथों में 10 उंगलियां, एक हाथ में 5 उंगलियां। तो जिनके द्वारा क्या, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, संख्या कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए कि नंबर क्या होता है, लिख लीजिए उसके बाद डेफिनेशन, फिर आगे चलते हैं। लिखिए दोस्तों, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, कितनी कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, ये आपका मोल जो लाइन है क्या, कितनी वस्तुएं, ये चीज दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, का जिससे बोध होता है, बोध होता है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है दोस्तों, संख्या कहलाता है, संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, या संख्या कहते, चलिए थोड़ा और सही कर लीजिए, थोड़ा सुंदर बना लीजिए, उसे उसे संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। आई होप आप संख्या की डिफिनेशन समझ गए होंगे। और संख्या किसे कहेंगे, पहचान भी लिखा, कितनी वस्तुएं हैं, हमने कहा था ये दो मार्कर है, तो आपने कहा कितनी वस्तुएं, हमने पूछा कितनी वस्तुएं हैं इस समय हमारे पास हाथ में, कितने मार्कर हैं, तो आप कहेंगे सर दो मार्कर हैं। तो का जिससे बोध होता, किससे बोध हुआ, दो से, तो वो दो जो हमारी क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे नंबर होते क्या है। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं उसके बाद क्या है, संख्या के बाद है संख्यांक, क्या संख्या के बाद जो अगली हेडिंग दोस्तों हमारी है संख्यांक, संख्यांक दोस्तों इस नंबर्स क्या होते हैं, क्या संख्यांक यानी नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, उसकी बात करते हैं। क्या जो हमारे संख्यांक है, संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नंबर कहते हैं, एंड जो संख्यांक होता है उसको इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर्स। यानी संख्यांक का दोस्तों जो अर्थ होता है, अंकों को प्रयुक्त, यानी कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंकों, जो किसी भी संख्या को लिखने के लिए जो प्रयुक्त अंक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। इसको लिख लीजिए, इसकी डिफिनेशन फिर आपको समझाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। लिखिए, संख्यांक का अर्थ, संख्यांक का अर्थ, संख्यांक का अर्थ, ठीक है, संख्या को लिखने के लिए, संख्यांक का अर्थ, संख्या को लिखने के लिए, लिखने के लिए प्रयुक्त, संख्यांक का अर्थ संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, प्रयुक्त प्रयुक्त अंक होता है। क्या होता है दोस्तों, संख्यांक का जो अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक होता है। यानी कि संख्यांक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपसे पूछ ले तो संख्यांक का दोस्तों जो अर्थ होता है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जो हम संख्या, ये जैसे हमने क्या कहता है, ये दो मार्कर है, तो दो को आप किसी न किसी चीज से प्रदर्शित करेंगे, दो को कैसे लिखेंगे भाई, दो को हम कैसे लिखेंगे, ये
तो कहा संख्या को प्रदर्शित करने के लिए आपने बता दिया कितनी वस्तुएं का जिससे बोध होता है, जैसे यहां पे हमने ये मार्कर ले लिया, एक मार्कर और ले लिया, कितने हो गए तीन, कितनी वस्तुएं का जिससे बोध होता, तो आपने बताया कि तीन वस्तुएं, तो तीन वस्तुएं हैं का जिससे बोध हुआ वो हमारी संख्या कहलाता। अब इन तीन को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखित रूप में इसको हम कैसे दिखाएंगे, काहे से प्रदर्शित करेंगे, तीन को किस भाषा में लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय भाषा में लिखेंगे, देवनागरी भाषा में लिखेंगे, बस समझे ना, वो जो कहलाता वो संख्यांक कहलाता, नंबर कहलाता है, राइट, समझ गए ना बात। चलिए तो संख्यांक का संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक होता है दोस्तों, आगे देखिए, अर्थात संख्या को जिन संकेतों द्वारा संख्या को प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित लिख लें या व्यक्त किया जाता है, किया जाता है, उन्हें भैया संख्यांक कहते हैं, उन्हें संख्यांक मतलब नंबर्स कहते हैं, संख्यांक कहते हैं, ये चीज समझ में है क्या। कहा संख्या का संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त, अभी हमने बताया जैसे पांच उंगलियां हैं तो इसको पांच को कैसे लिख के दिखाएंगे ना, पांच, तो वो जो कहलाएगा हमारा नंबर्स कहलाएगा, लिखने के लिए प्रयुक्त अंक होता है, अर्थात संख्या को जिन संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यानी कि व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे किस किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे आपके सिलेबस में हम दो तरीके से क्या ज्यादातर प्रदर्शित करेंगे, दो तरीके से कौन कौन से आपके में, पहला दोस्तों आपको जो हम प्रदर्शित करते हैं अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर में किसी भी संख्यांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा दोस्तों हमारा रोमन, ये दो आप में प्रदर्शित किए जाएंगे, एक क्या अंतरराष्ट्रीय में, ठीक है, और दूसरा कौन सा दोस्तों रोमन में, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो एक से लगाकर दोस्तों हम नौ तक प्रदर्शित करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ठीक है, ये हमारे दोस्तों नौखाने होंगे, यानी कहने का मतलब दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करना है तो जैसे एक लिखना है तो दोस्तों हम इससे लिखते हैं वन, जो हम सिंपल भाषा लिखते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, बस नाइन तक ही लिखना है दोस्तों, एक से नौ तक लिखना है दोस्तों, तो हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, जीरो तो हमारा शामिल ही है, ठीक है। इसी प्रकार इसको रोमन में लिखना दोस्तों, तो रोमन लिख लेंगे, इसको वन को क्या लिखेंगे रोमन में लिखना दोस्तों, कैसे लिखते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे फोर्थ फिफ्थ लिखते कि नहीं, ये हमारा दोस्तों सिक्स हो गया, ये हमारा सेवन हो गया, ये दोस्तों हमारा कितना होगा एट हो गया, और ये दोस्तों हमारा कितना होगा नाइन हो गया। तो दोस्तों रोमन में लिखना है किसी भी जो अंतर्राष्ट्रीय, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये हर जगह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अंतर्राष्ट्रीय की हर जगह ये प्रचलित है, ये नंबर दोस्तों हमारे हर जगह यूज किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब पूरे विश्व में इन नंबरों का दोस्तों यूज किया जाता है, और ये रोमन नंबर है, रोमन नंबर में जब भी आपको लिखना होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितना सिक्स सेवन एट नाइन इस रूप में दोस्तों हम लिखेंगे। तो आप समझते हैं कि संख्या यानी कि नंबर और क्या संख्या यानी कि नंबर में क्या अंतर है, कितनी वस्तुएं का जिससे बोध होगा, कितनी वस्तुएं यानी कि ये दो वस्तुएं हैं, ये पांच उंगलियां
किससे बोध हो रहा है? हम बोल के बता रहे हैं 2-5, तो ये जो हम बोल रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? संख्या। और 2-5 हम जो लिख के दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे सबके जानने के लिए कि हम हो या ना हो दूसरा जान जाए, तो जिसके द्वारा वो प्रदर्शित करेंगे, जैसे चिन्ह क्या 2 मार्कर दिखाना है तो 2 ये बना के दिखाएंगे, या तो हम 2 ऐसे लिख के देंगे या तो 2 हम ऐसे लिखें। जैसे हमको क्या ये 5 उंगलियां दिखानी है तो या तो 5 हम इस रूप में लिखें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, या इस रूप में लिखें। और भी पद्धतियां होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ सिलेबस में 2 पद्धतियां, एक तो ये आपको ये तो सामान्य पद्धति तो सीखना ही नंबर है, दूसरा कौन सा रोमन पद्धति में भी कुछ लिखना है, इसलिए हमने 2 ही आपको लिखवाई, बाकी होती बहुत सारी पद्धतियां आपके में सीखने को बहुत सारी है, लेकिन 2 आपके में जरूरत है। समझ गए? तो संख्या और संख्यांक यानी कि नंबर और नंबर्स में मुझे तो उम्मीद है कि आप समझ गए हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि संख्या होती क्या है, इसको रब कर दें। चलिए आप नोट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए इसको रब कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल नए सिरे से बिल्कुल 0 से स्टार्ट किए हैं, और जो भाई बंधु अभी से देखना स्टार्ट कर देंगे, अभी तो आपका नया नया एडमिशन हुआ है ना, तो जिनका नया नया एडमिशन यदि आप अभी से देखना स्टार्ट कर देंगे तो आप जो 25 में 25 नंबर मैथ में जरूर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए संख्या क्या होती है, नंबर क्या होते हैं हमारे, क्या संख्या, ध्यान से देखिए दोस्तों जो हमारी संख्या क्या है, संख्या यानी कि नंबर क्या होते हैं या नंबर्स क्या होते हैं, संख्या क्या होती है। दोस्तों संख्याओं को दोस्तों हम 3 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, 3 भागों में दोस्तों हम डिवाइड करते हैं, यानी कि जो संख्याओं का जो हमारी फैमिली है, सबसे बड़े संख्यांक संख्या के दोस्तों जो है 3 बच्चे हैं, कितने, संख्या का जो परिवार है सबसे पहले कितने हुआ, 3 से शुरुआत हुआ, यानी कि संख्या को दोस्तों हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर एक दोस्तों, नंबर एक जो हमारी संख्या दोस्तों ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। दूसरी बात दोस्तों हमारी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। एंड तीसरी दोस्तों हमारी जो सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, या सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यानी कि हमारी रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं दोस्तों, ये हम जानते हैं। दोस्तों आपके सिलेबस जो DLED फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके दोस्तों सिलेबस में, आपके सिलेबस में दोस्तों सिर्फ वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उनको दोस्तों जानना है, क्या सिर्फ जो हमारी क्या वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में दोस्तों में जानकारी प्राप्त करना है। फिर भी हम आपको क्या थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या है, और सम्मिश्र संख्याएं क्या है। तो ध्यान समझिए, शून्य सहित सभी धनात्मक ऋणात्मक और जिनका ठीक ठाक वर्गमूल ना निकले वो सभी संख्या दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, कौन सी संख्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। यानी कि शून्य सहित शून्य भी हो, जितनी धनात्मक संख्या है, जितनी ऋणात्मक संख्या है, और जिनका यदि हम वर्गमूल भी निकालना चाहें तो ठीक ठाक वर्गमूल ना निकले वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। वो सभी संख्या दोस्तों कैसे कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। देखिए एक हमको आपको थोड़ा सा जैसे क्या ये आप बताते हैं, नंबर लाइन होती है संख्या रेखा, इधर 0 चलते हैं, इधर +1 चलते हैं, इधर +2 एंड सो ऑन दोस्तों कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक। इसी पर कहा दोस्तों इधर -1 -2 एंड सो ऑन कहां तक जाता है दोस्तों, इधर भी कहां तक जाता है, ये यहां तक इन्फिनिटी तक, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाता है दोस्तों, और इधर भी कहां तक जाता है दोस्तों, ये इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी ये यानी कि देखिए शून्य भी है, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्या, और जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी संख्याएं जो दोस्तों हमारी कहलाती हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहलाती हैं, राइट। काल्पनिक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्याओं का यदि हम वर्गमूल निकालें तो जो संख्या प्राप्त होती है, जो वर्गमूल आता है वो काल्पनिक होता है। क्या ऋणात्मक संख्याओं का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो काल्पनिक होता है, जैसे जैसे लिखा हो √
माइनस वन। अच्छा अभी तक यदि आप चाहते रूट वन लिखा होता कहीं पे, रूट वन लिखा होता या क्या लिखा होता, या फोर लिखा होता या कितना नाइन लिखा होता, तो आप क्या करते हैं फोर लिखा होता क्या इसको लिखते हैं टू इंटू टू लिखते हैं, इसमें से टू बाहर आ जाता है। इसी प्रकार इसको क्या रूट थ्री इंटू थ्री लिखते हैं, इसमें से कितना थ्री बाहर आ जाता है। यानी कि रूट फोर लिखा तो टू बाहर आता, रूट नाइन लिखा तो थ्री बाहर आता। अब यहीं पे जैसे माइनस का रूट फोर लिखा हो तब क्या बाहर आएगा, ठीक है, माइनस का फोर रूट लिखा हो तो यहां से भी क्या जाएगा, कुछ ना कुछ तो दोस्तों बाहर आएगा, चूंकि माइनस है तो माइनस भी बाहर आएगा। तो चूंकि ध्यान समझे, हमने कहा ऋणात्मक संख्याओं का, ये तो आपकी धनात्मक संख्या निकाल ली, यदि हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्तों क्या बाहर आता उसकी चर्चा करते हैं। क्या ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना वो हमारा क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। रूट माइनस वन जो दोस्तों इसका मान होता आई, क्या होता आई, और इसको हम आयोटा कहते हैं, क्या कहते हैं आयोटा कहते हैं। यानी कि यदि कहीं पे रूट माइनस वन लिखा है तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। जैसे ध्यान से, जैसे अभी हमने बताया था रूट ना सके रूट माइनस फोर, तो रूट दोस्तों माइनस फोर है तो इसको ध्यान से कैसे लिखेंगे, यदि रूट माइनस फोर है दोस्तों तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू फोर, और क्या माइनस वन इंटू फोर लिख सकते हैं। और आपको पता, देखिए रूट माइनस वन का मान कितना आई, तो इसके स्थान पर आई हो जाएगा, और ये कितना रूट फोर का मान कितना टू, यानी कहने का मतलब टू आई। यानी कि कहीं पर यदि रूट माइनस फोर लिखा है तो उसको हम टू आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू आई लिखेंगे। तो ये दोस्तों हमारी कैसी संख्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी, काल्पनिक संख्या हो गई, यानी कि टू आई हमारी कैसी काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है दोस्तों, समझ गए। जैसे इसी प्रकार रूट नाइन हो, रूट नाइन होगा तो हमारी कैसे चली जाएगी, वास्तविक संख्याओं में चला जाएगा। लेकिन यहीं पे माइनस का रूट नाइन है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों इसको, वैसे सेम प्रोसेस है, माइनस वन लिखेंगे इंटू कितना नाइन लिखेंगे, तो माइनस वन क्या है कि माइनस वन हो गया इंटू दोस्तों कितना हो गया रूट नाइन होगा, और माइनस वन का मतलब दोस्तों कितना आई, एंड रूट कितना थ्री, यानी कहने का था दोस्तों थ्री आई हो गए। तो ये दोस्तों हमारी संख्या कैसी कहलाती, काल्पनिक संख्याएं कहलाती, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका क्या, जिनका हम यदि या एक लाइन में कहना चाहें ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल निकालते हैं तो वो हमारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अब इसी प्रकार देखते हैं समी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याओं से जो संख्याएं मिलकर बनी होती हैं वो समी संख्याएं कहलाती, क्या वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याओं से जो संख्याएं मिलकर बनी होती है वो समी संख्या कहलाती। जैसे थ्री हमारी कैसी है, तीन जो हमने लिखा कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर थ्री तो हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और इसी में यदि हम, अच्छा ये टू आई कैसा है हमारा, टू आई कैसा है जिसमें आई लगा हो, जिसमें आयोटा, यानी आई को क्या कहते हैं आयोटा, जिसमें दोस्तों आई लगा हो वह संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती, अभी हमने आपको बताया। तो 2i हमारी कैसी संख्या दोस्तों, आप कहेंगे काल्पनिक संख्या। दोस्तों क्या कहा, समी संख्या तथा काल्पनिक संख्या है, जो समी संख्या होती वो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के से मिलकर बनी होती, यानी कि जिसमें वास्तविक संख्या भी शामिल हो और काल्पनिक संख्या भी शामिल हो वो संख्याएं हमारी समी संख्याएं कहलाती, थ्री प्लस टू आई। तो दोस्तों ये हमारी कैसी संख्या हो गई, समी संख्या हो गई। जैसे कहीं पर लिखा हो फाइव माइनस का कितना थ्री आई, तो देखिए इसमें फाइव माइनस का थ्री, अब इसमें देखिए ये जो हमारा पूरा साम हुआ ये फाइव माइनस थ्री आई, देखिए फाइव तो हमारी वास्तविक संख्या है और थ्री आई कैसी काल्पनिक संख्या है, इन दोनों के क्या मिलन से हमारी एक संख्या थ्री फाइव माइनस थ्री आई बनी जाएगी। तो ये दोस्तों हमारी जो संख्याएं कहलाएंगी समी संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि एक बार दोबारा देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है, ये तो आपके सिलेबस में उनको सीखना ही है, ऐसी संख्या है जिसमें क्या हो शून्य हो, सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं, और क्या जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है रूट टू रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव, जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता वो सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना हमारा क्या कहता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है।
रूट माइनस वन का मान क्या होता है? आई होता है, जिसे आयोटा कहते हैं। और समी संख्या कैसे कहते हैं? वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या से मिलकर जो संख्याएं बनी होती हैं वो समी संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे दोस्तों, समझ में आ रहा तो जम के दोस्तों से करते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको रब कर रहे हैं, चलिए इसमें चाल ले लीजिए हट गए, चलिए हम इसको रब कर रहे हैं और बात करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए भैया, अब इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। क्या वास्तविक संख्याएं दोस्तों हमारी क्या होती हैं? तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों इसके बाद, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? ध्यान से देखिए, जो हमारी वास्तविक संख्या है दोस्तों, इसको भी दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया। क्या वास्तविक संख्या को दोस्तों भी दो भागों में डिवाइड किया गया? पहला दोस्तों जो हमारा भाग है, ध्यान से देखिएगा, पहला भाग जो हम उसको डिवाइड करते हैं, ध्यान से, ये दोस्तों हमारा जो पहला भाग हमारा है वो दोस्तों हमारा है, वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटते हैं? दो संख्याओं में। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पहला कौन सा? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? दूसरा जो हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय इरेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये सारे दोस्तों आपके सिलेबस में है दोस्तों। अपरिमेय संख्या को दोस्तों हम करणी संख्या भी कहते हैं। क्या अपरिमेय संख्या को दोस्तों हम करणी संख्याएं भी कहते हैं, संख्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान समझे। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और अपरिमेय संख्या करणी संख्या क्या होती है दोस्तों? साथ में आप लिखते भी चलिएगा, समझते चलिए पहले, उसके बाद में लिख लीजिएगा, नोट जरूर बनाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। क्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू दोस्तों जीरो होता है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2/3, 1/2, 1/2, समझ पा रहे हो? परिमेय संख्या समझ रहे हो? कि 2/3, 1/2, 5, क्या हो गया? 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ऐसे बहुत सारे दोस्तों आपको उधार मिल जाएंगे जिन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या जिन्हें p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे 2/3, 1/2, 5, 3, 1, ये हमारी सभी संख्या कैसे कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी दोस्तों। करणी संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं या रेशनल इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो हमने बताया था, इस इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है, क्या कहलाती? अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्या करणी संख्या कहलाती। क्या ऐसी संख्या जिनका ठीक ठाक वर्गमूल नहीं निकलता है, या कह लें ऐसी संख्या जिन्हें हम p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या जिन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे या तो हम ये कहते हैं, या हमने कहा जैसे क्या रूट, जैसे क्या रूट टू है, तो क्या रूट टू का ठीक ठाक वर्गमूल निकल सकता है? रूट फोर होता तो टू आ जाता, लेकिन रूट टू का वर्गमूल ठीक ठाक नहीं निकलेगा ना। यानी कि यदि हम इसका वर्गमूल निकालते भी तो हमारा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक ठाक आना चाहिए। ठीक ठाक मतलब क्या? रूट फोर का निकालेंगे तो टू आएगा, रूट नाइन का निकालेंगे तो दोस्तों थ्री आएगा, रूट कितना 16 का निकालेंगे तो कितना 4 आएगा। ठीक समझ में आ रहा है? जैसे रूट थ्री, रूट फाइव, और दोस्तों जैसे रूट सेवन, रूट इलेवन, ऐसे जितनी भी संख्याएं दोस्तों हमारी कहलाएंगी, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी दोस्तों।
राइट right? जैसे अब इसी में दोस्तों पाई भी शामिल है, क्या पाई दोस्तों ध्यान समझिए, यदि 22/7 लिखा होगा तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी, क्या इसी में हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, यहीं पे देखिए 22/7 यदि इसमें लिखा है तो वो हमारी है परिमेय संख्या, और यदि पाई लिखा दोस्तों तो अपरिमेय संख्या। ये आपके पेपर में खूब पूछा जाता है कि पाई हमारी कैसी संख्या है, तो दोस्तों अब जो हमारी पाई है अपरिमेय संख्या है, तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं कि अब दोस्तों परिमेय संख्या का भी परिवार है, इसके भी आगे चल के बच्चे हैं, तो इस परिमेय संख्या को कितने भागों में दोस्तों डिवाइड करते हैं उसको देखते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए फटाफट, ध्यान से दोस्तों नोट करिएगा, हट गए दोस्तों आप फटाफट नोट कर लीजिए। दोस्तों हो गया, तो मुझे तो उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं कौन सी थी, वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या को दोस्तों बांटते हैं, ये दोस्तों हम एग्जाम्पल यहां लिख दें, इसके आगे यहां एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं दोस्तों, थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए इसके एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं, या हम यहां पर ब्रैकेट में लिख दें, यहां पर कुछ लिख देते हैं, 2/3 है, 1 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी लिख लीजिए यहां से एंड सुमान दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों। और जो परिमेय संख्या होती है जहां, अच्छा ये आपसे यदि कोई पूछ ले कि P और Q क्या है, तो दोस्तों यहां पे जो P और Q होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, अभी हम बताएंगे P Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तो क्या बताएंगे पूर्णांक क्या होते हैं, 2/3, 1, 5, -3, -6, ठीक है, माइनस का 1/2, जैसे क्या लिखते हैं यहां पर बाई चांस माइनस का 2 लिखा होता तो ये भी दोस्तों हमारा कैसा होता, माइनस का 2 भी हमारी परिमेय संख्या होती, राइट, 1/2, 5/11, तो ये सभी कैसी संख्याएं होंगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या को भी दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया, नंबर एक ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या को भी दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से, पहला दोस्तों हमारा जो भाग है पूर्णांक संख्याएं, पहला क्या हमारा दोस्तों हो गया पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या, इंटीजर दोस्तों हो गया, एंड दूसरा दोस्तों हमारा दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया क्या परिमेय संख्या क्या होती है, उस परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्णांक संख्या, दोस्तों कौन सी, दूसरी दशमलव संख्या। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या, ध्यान समझिए कौन सी होती, अभी हमने बताया था पी और क्यू क्या है, जहां पूर्णांक है, इसमें जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 यदि हर हमारा 0 हो जाएगा तो इसे पी, क्यू नॉट इक्वल टू, यदि क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता तो पी अपॉन 0 लिखते हैं, और आपको पता है यदि किसी भी संख्या या किसी भी नंबर के नीचे क्या है 0 है तो उसको सॉल्व करते इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी थोड़ा हमारी पर क्या इन्फिनिटी आता, बात समझ में कि नहीं, तो इसलिए इन्फिनिटी ना आए इसीलिए कहा क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, राइट, समझ गए। चलिए अब देखिए पूर्णांक क्या कहते हैं, ध्यान समझिए एग्जांपल के माध्यम समझा रहे हैं, सभी धनात्मक संख्याएं जैसे अभी बताया था और सभी ऋणात्मक संख्याएं, क्या सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, इधर कहां जाना इन्फिनिटी तक जाना, उधर भी कहां जाना इन्फिनिटी तक, यानी कि जितनी भी हमारे पास धनात्मक संख्या है और जितनी भी हमारी ऋणात्मक संख्या है, इन सभी संख्याओं को दोस्तों क्या कहते हैं, हम पूर्णांक संख्याएं कहना कहते हैं। ये देखिए 0 से लगा के +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन का इन्फिनिटी तक, इधर क्या -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन का इन्फिनिटी तक, तो जितनी भी सारी संख्याएं क्या इन्फिनिटी तक जाएंगी, ये सभी दोस्तों हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल समझ गए दोस्तों, किसे कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव संख्या जैसे 2.3 हो गया, 5.7 हो गया,
कोई भी नंबर ले, 1.2 हो गया, तो ये दोस्तों हमारी जो संख्याएं होती हैं वो दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5.32 हो गया, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगे दोस्तों, दशमलव संख्याएं कहलाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सॉरी भैया, अब बात करते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती। पूर्णांक संख्याओं को भी दोस्तों कई भागों में डिवाइड किया है। देखिए कितने भागों में पूर्णांक संख्या को दोस्तों डिवाइड किया गया, तो फटाफट देखिए पूर्णांक संख्या को दोस्तों भी दो भागों में डिवाइड किया गया। ध्यान से देखिए, फिर पूर्णांक संख्या क्या फैमिली हमारी क्या कहती है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर एक, ध्यान समझिए, इसको भी दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर एक दोस्तों हमारे पास जो है प्राकृतिक संख्या, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्या एंड पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती दोस्तों, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को काउंट करते हैं, क्या जिनके द्वारा दोस्तों हम वस्तुओं को गिनते हैं। जैसे क्या, ये दो मार्कर हैं, ये पांच उंगलियां, यानी कि जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जा सकता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यही क्या पूर्णांक का ही तो भाग है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन क्या इन्फिनिटी तक, यानी कि इसी के ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन दोस्तों कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी कि एक से लगातार इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं दोस्तों हमारी होती हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों, हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, राइट। और दोस्तों ध्यान समझिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या, जीरो सहित जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, यानी कि यदि खाली प्राकृतिक संख्या कहेगा तो उसमें 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक शामिल हो जाएगा, जिनके द्वारा वस्तुओं को हम काउंट कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एंड पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जिनके द्वारा क्या, इनके द्वारा भी वस्तु काउंट किया जाता है, इसमें शामिल क्या होता है, जीरो सहित, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अब प्राकृतिक संख्याओं को भी कई भागों में बांटा गया, संख्या का परिवार दोस्तों काफी बड़ा है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इसको भी दोस्तों चार भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, चार भागों में। देखिए कौन कौन से चार भाग है हमारे पास, ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या को भी चार भागों में डिवाइड किया गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला भाग कौन सा हमारे पास है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा भाग कौन सा है, उसके बाद चौथा कौन सा। ध्यान से देखिए, जो पहला भाग दोस्तों हमारे पास है प्राकृतिक संख्या दोस्तों, सम संख्या, सम संख्या, यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर। दूसरा दोस्तों विषम संख्या, ऑड नंबर। तीसरा दोस्तों भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। एंड चौथा दोस्तों अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। यानी कि दोस्तों जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें भी दोस्तों चार भागों में डिवाइड किया गया। क्या, प्राकृतिक संख्याएं जो दोस्तों हमारी हैं उन्हें भी चार भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी, पहली दोस्तों कौन सी, सम संख्या, दूसरी कौन सी, विषम संख्या, तीसरी कौन सी, भाज्य संख्या, और चौथी दोस्तों कौन सी, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों सम संख्या किसे कहते हैं, आप सभी को पता है कि ऐसी संख्या है जो दो से क्या होती, विभाजित हो जाती है, यानी कि भाग देने पर क्या पूर्णतः कट जाती है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी कि दो से भाग करें तो उसका शेषफल कितना आएगा दोस्तों, जीरो आएगा, तो सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे दोस्तों कैसा, 2, 4, 6 एंड सो ऑन दोस्तों, क्या जो संख्याएं दो से कट जाती हैं वो सम संख्याएं दोस्तों कहलाती हैं, ठीक है। तो विषम संख्या यानी कि और नंबर क्या होते, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी कैसी संख्या दोस्तों कहलाती हैं, कैसी कहलाती दोस्तों बताइए, विषम संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों विषम संख्या कहलाती है, जैसे क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक दोस्तों, कितने बार, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया दोस्तों, एंड सो ऑन क्या, चलिए बहुत हो गए इतने तक,
एंड चौदह दोस्तों कहां तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि से 1, 3, 5, 9, 11, 15, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, यानी कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं भैया वो हमारी संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हो, अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम दोस्तों देखो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और ऐसी संख्या जिनके क्या जो गुणनखंड हो कम से कम 2 या 2 से अधिक, ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, क्या ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या नहीं 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 तो इसके भी हो जाएंगे, क्या भाज्य संख्या किसे कहेंगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4 है तो देखिए 4 का चेक कर लीजिए, 4 को अगर हम काटें तो देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी कटेगा और किससे 4 से भी कटेगा, तो 2 से अधिक है। उसके बाद दोस्तों देखिए 6 देखिए, तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा एंड 6 से भी कटेगा, यानी कि 4 हो गया 6 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार 8 हो जाएगा हमारा, किससे कटेगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो इसी प्रकार 2, 4, 6, 8, 10 एंड सवाल कहां तक दोस्तों, आगे बहुत सारी होंगी, इन्फिनिटी तक हो जाए चली जाएंगी। और अभाज्य संख्या है ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से, एक तो स्वयं संख्या और एक एक, एक तो स्वयं संख्या एक एक, जैसे कि दोस्तों क्या हमारा, जैसे कि हमारा 3 है, तो 3 दोस्तों देखिए क्या हमारा 3 कैसा होगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, क्या और किसी से 3 कटेगा, क्या और किसी से और 3 किसी और से कटेगा, 3 होगा दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं 5, ये भी देखिए 1 से कटेगा 5 से कटेगा, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये स्वयं से कटेंगे, ये क्या करेंगे या तो स्वयं से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो वे संख्या जो है तो जिनके क्या कम से कम कितने, वे संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, या ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या एक से क्या होते हैं विभाजित होती हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, संख्या कहलाती है। जैसे कि क्या हो गया हमारा 3 हो गया दोस्तों, 5 हो गया कितना, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो दोस्तों कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये सभी संख्याएं दोस्तों हमारी कैसी कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, अभाज्य संख्या दोस्तों कहलाएगी। तो मुझे तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कहीं से कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि कोई डाउट दोस्तों है तो आप कमेंट कर से करके अपने भाई से निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, थोड़ा आपको समय दे रहे हैं नोट करने के लिए, तब तक आप फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों, चलिए आपने, मुझे तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। फिर भी यदि कहीं पे डाउट है, कोई समस्या है दोस्तों, तो अपने भाई से आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज की जो क्लास थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स वालों के लिए, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? ये तो हमने क्या, जो संख्या है उसके परिवार के बारे में हमने आपको विधिवत से बताया, संख्या को कितने भागों में डिवाइड किया गया उसके बारे में बताया दोस्तों, और जो इससे संबंधित पॉइंट है हम दोस्तों उसमें की चर्चा दोस्तों कल की क्लास में करेंगे, यानी कि अगले लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों करेंगे। इसीलिए आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी वो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए, और दोस्तों कल जो हमने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया था उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। आपने देखा कि सिलेबस, अच्छा इससे कोई मतलब नहीं, अरे भैया वही तो जान है, सिलेबस ही आप नहीं देखेंगे तो आपको पता क्या होगा, क्या हमको पढ़ना, क्या हमें सीखना है, इसलिए सिलेबस देखिए, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद धीरे धीरे से आपको क्या सिलेबस आगे धीरे धीरे प्रोवाइड होता रहेगा दोस्तों। आपकी प्रतिदिन शाम 5 बजे क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों, इसलिए आप सभी भाई बहन 5 बजे दोस्तों रेडी रहा करिए, ठीक दोस्तों। तो कैसी क्लास लगी कमेंट करके बताइए, कहीं पे यदि कोई डाउट है, कहीं पे दोस्तों कोई समस्या है तो अपने भाई से निसंकोच होकर दोस्तों पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।